चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। आईपीएल की स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है हम क्रिकेटर्स के बारे में नहीं बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं जिससे आप कह सकते हैं ग्लू हो जाते हैं, गेम से तो है जिससे आप ग्लू होते हैं, लेकिन जो आवाज होती है जो आपको सुनाई देती हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं मैच को, आई थिंक उनकी आवाज से भी आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, और जिसकी वजह से आप कुछ के फेवरेट जो होते हैं आपके कमेंटेटर्स उनको बार बार सुनना चाहते हैं। तो पांच ऐसी ही कमेंटेटर्स की हमने लिस्ट बनाई है जिनकी एक यूनिक स्टाइल है, जिन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है अपनी आवाज से, अपनी कॉमेंट्री से। तो वो आपको बताते हैं रैंडमली, उन पांच नामों को हमने पिक किया है और एक एक करके वो जो लिस्ट है आपसे डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज वी आर स्पोर्ट्स क्रेजी को चेक नहीं किया तो उसको चेक कर लें। उसको चेक करने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी जो है लिंक के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पांच कमेंटेटर से। नंबर पांच पर रखा है डेनी मॉरिसन को। डेनी मॉरिसन बेसिकली, ऐसे तो उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है लेकिन इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं काफी सालों से। डेनी मॉरिसन को हमने पांचवें नंबर पर रखा है इस लिस्ट में, जो कि टॉप फाइव ऐसे कमेंटेटर्स की लिस्ट में शामिल होते हैं जिनकी अपनी एक यूनिक स्टाइल है कमेंट्री करने की। डेनी मॉरिसन जो होते हैं जो फनी वे में, चाहे वो टॉस टाइम में हो, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हो या फिर कमेंट्री के टाइम, जिस तरीके से वो आप कह सकते हैं जॉय क्रिएट करते हैं अपनी आवाज से, इवन जो प्लेयर्स होते हैं आई थिंक वो बहुत खुश होते हैं जब डेनी मॉरिसन से वो इंटरेक्ट करते हैं। आई थिंक यही उनकी यूएसपी है, ये उनकी खास बात है। और ना सिर्फ इन्होंने खेला भी एज ए न्यूजीलैंड, जैसे मैंने आपको बताया 50 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 160 विकेट लिए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद डेनी मॉरिसन ने कमेंट्री करी और कमेंट्री से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। इनको आप सिर्फ आईपीएल में नहीं बल्कि अलग लीग्स जैसे पीएसएल, सीपीएल, बीपीएल यहां पर भी देखते हैं। चौथे नंबर पर इयान बिशप है। इयान बिशप रेनाउंड कॉमेंटेटर्स में से भी एक है और इनकी जो भारी भरकम आवाज है आई थिंक उसने भी आप कह सकते हैं एक अलग सा स्पेस बना रखा है लोगों के दिलों में, और आईपीएल हो या डिफरेंट लीग्स में ये बतौर आप कॉमेंटेटर्स बहुत एस्टैब्लिश कॉमेंटेटर्स है और इनका स्टाइल जो है चीजों को डिटेल में जाके डिस्क्राइब करने का आई थिंक वो इनको बहुत अलग बनाता है इनकी बैरिटोन वॉइस में। और अगर आपको बता दें कि ये खिलाड़ी भी थे, जस्ट इन केस किसी को पता ना हो, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी थे लेकिन इंजरीज की वजह से इनका करियर उतना लंबा प्रोपेल नहीं हो पाया। तीसरे नंबर पर है आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा को इस लिस्ट में रखने का मतलब ये कि प्लेइंग के तौर पे जो जब ये खेलते थे तो उतना लंबा इनका करियर नहीं था, लेकिन उसके बाद जब से उन्होंने वैसे बतौर प्लेयर अपना करियर खत्म किया और कमेंट्री में सक्रिय हुए हैं, तो हिंदी कमेंट्री, इंग्लिश कमेंट्री दोनों में ही आई थिंक ये कमेंट्री करते हैं, लेकिन ज्यादा जो है इनको आप कह सकते हैं पहचान मिली हिंदी कमेंट्री से। जैसे इनके कुछ वर्ड्स हैं चतुर, चालाक, चहल, तो जिस तरीके से ये चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं आई थिंक कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप अगर देखेंगे तो उन्होंने ऑडियंस के दिल में जगह बना रखी है। आकाश चोपड़ा ने इनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे प्रॉपरली ये मैचेस के रिव्यूज भी देते हैं। सो प्रॉबली जो जो इनका तरीका है समझाने का बतौर हिंदी भाषा में आई थिंक वो बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है विवेक राजदान को। विवेक राजदान को यहाँ पर रखने का मकसद बड़ा सिंपल है, जस्ट इन केस हिंदी कॉमेंट्री से अगर आपका परिचय नहीं है तो विवेक राजदान का नाम आप जरूर सुनिएगा, उनकी कॉमेंट्री जरूर सुनिएगा। वो भी कनेक्शन बहुत तगड़ी तरीके से करते हैं और मुहावरों का, किस्सों का, आप कह सकते हैं दो दो लाइन्स, चार चार लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए। आई थिंक विवेक राजदान जो है बहुत बड़ा नाम है हिंदी कॉमेंट्री का और उनकी भी अपनी एक यूनिक स्टाइल है, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। सो इस तरीके से वो महेंद्र सिंह धोनी पे चीज़ें बना देते हैं। सो उनका उनका जो स्टाइल है, जो डिलीवरी करने का है, जो कनेक्शन जैसे मैंने आपको बताया एस्टैब्लिश करने का, उसने ऑडियंस के दिल में एक जगह बना रखी है। एज एज ए कॉमेंट्रेटर के तौर पर इन्होंने अपनी जो जगह है वो कायम रखी है। पहले नंबर पर मैंने रखा है हर्षा भोगले को। हर्षा भोगले को अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो कॉमेंटेटर्स हैं जिन्होंने नाम कमाया है वो यूजुअली वो होते हैं जो क्रिकेट खेल चुके होते हैं, लेकिन हर्षा भोगले एक ऐसा स्टैंड आउट नाम आपको दिखेंगे जिन्होंने कोई ऐसा नहीं कि कोई इंडिया के लिए क्रिकेट खेली है जाके, लेकिन जो उनका करियर रहा है बतौर कॉमेंटेटर और जिस तरीके से आप उनको कॉमेंट्री करते हुए देखते हैं, चाहे आप इंग्लिश देख लें चाहे आप हिंदी देख लें, आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ है कि गेम को एज अ स्टूडेंट के तौर पर एनालाइज करते हैं, एज अ स्टूडेंट के तौर पर लोगों को समझाते हैं और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के जो कॉमेंट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जिन्होंने हाईएस्ट लेवल पर क्रिकेट नहीं खेली है। सो आई थिंक हर्षा भोगले एक यूनिक स्टाइल उनकी, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्लो मोशन में पोइट्री चल रही है जिस तरीके से वो कॉमेंट्री को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कॉमेंटेट कर रहे होते हैं लाइव मैच को। सो आई थिंक ये पांच कॉमेंटेटर्स थे जिनकी लिस्ट हमने आपसे शेयर की, जिसमें इंग्लिश कॉमेंट्री
कमेंटेटर्स भी हैं, हिंदी कमेंटेटर्स भी हैं, जिन्होंने अपने यूनिक स्टाइल से आईपीएल के इतिहास में एक अलग जगह बनाई है कमेंट्री के खेमे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।